आई थिंक हमारे देश में मैं कहूँगी कि शादियों का मौसम जो होता है ना, वो हर साल होता है और पूरे साल होता है। कोई ऐसे नहीं है कि एक सीज़न है वेडिंग्स के लिए। इंडिया में तो हर सीज़न वेडिंग सीज़न ही होता है, क्योंकि सब लोगों को आई थिंक इट्स वंडरफुल, क्योंकि लोग इस इंस्टीट्यूशन में बिलीव करते हैं, शादियों में बिलीव करते हैं। हमारा कल्चर भी इज़ वेरी कनेक्टेड टू बीइंग मैरिड एंड हैविंग अ होल फैमिली एनवायरनमेंट। सो आई लव वेडिंग्स। बहुत ही क्रिएटिव वेडिंग्स हो रहे हैं अभी इंडिया में। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। आई थिंक बीइंग मैरिड इज़ एन अमेजिंग इंस्टीट्यूशन एंड इफ यू शुड ओनली गेट इनटू इट इफ़ यू रियली बिलीव इन इट। मैं आज आई हूँ यहाँ वेडिंग सूत्रा के लिए एंड पहली बार मैंने देखा है कि एक पोर्टल सारे जो बिहाइंड द सीन्स लोग हैं, जो वेडिंग्स में बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, उनको सबको मिला के दिखा रहे हैं कि वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। एंड आई थिंक इट्स लवली कि ये इतना बड़ा ओकेजन, ये इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स जो हो रहे हैं यहाँ, पहली बार इंडिया में हो रहे हैं। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी और होनी चाहिए, क्योंकि इट्स जस्ट वंडरफुल, इट्स क्रिएटिव, इट्स फैबुलस। वेडिंग्स आर अ हैप्पी हैप्पी फन थिंग फॉर फैमिलीज टू कम टुगेदर, फैमिलीज टू अंडरस्टैंड ईच अदर, टू लव ईच अदर। इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ लव। तो मैंने अपने आप को आज एक्चुअली एक गॉथिक प्रिंसेस की तरह डिज़ाइन किया है। मैंने वाइट एंड गोल्ड पहना है, क्योंकि वेडिंग का मौसम है एंड वाइट एंड गोल्ड इज़ द एलिमेंट्स ऑफ ऑल वेडिंग्स। एंड इसलिए मैंने थोड़ा गॉथिक वेस्टर्न लुक लिया है, ताकि यू कैन वेयर दिस एट लाइक से अ यंगस्टर पार्टी एट अ वेडिंग। पूरे साल रहता है। आपको मालूम है आप किसका नाम निकालने की कोशिश कर रहे हो मेरे मुंह से? जी नहीं, आपको पता है। नहीं, आई थिंक जब भी लोगों की शादी होती है तभी उनको वो स्पेशल कोई मिल जाता है, तो हम कोई ऐसे प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको वो स्पेशल सामान मिल जाएगा तभी हो जाएगी। मैंने दो तीन प्रोजेक्ट्स किए हैं, दे विल बी कमिंग आउट। वन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट अबाउट सुसाइड। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टॉपिक एंड अ वेरी रेलिवेंट टॉपिक। लेकिन अभी शादियों का मौसम है, शादियों का बहार हो रहा है, तो लेट्स एंजॉय। Well, last year I was one of the judges. Today I'm attending, and it's a very good thing for the industry, for the wedding industry, that Wedding Sutra takes it seriously and they have awards for it. एक जो awards की appreciation होती है, it's always encouraging for everybody in every field. So it's a real good thing. Weddings are always all about celebration, and I think the Ambani wedding was just beyond spectacular. Isha ki and Akash ki bahut 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 hi brilliant thi, and bahut achhi memories hain uske, and I think jiski bhi shaadi ho, ab kitne celebrities ki shaadiyan hui hain, sab ki hui hain, for them it's always very special. And I think wedding is something so special in someone's life, that however it is important to them and special to them, and special to all of us. Well, abhi to ek shuruaat hai and it's abhi ek shuruaat hai. Mainly it's not about films. ये एक वेब सीरीज़ है जो मैं बना रहा हूँ, जैसे मैंने कंसीव किया है, वो कैरेक्टर्स के बारे में मैंने लिखा है, अभी एक बहुत अच्छा एक ग्रुप राइटर्स का मेरे साथ उसको लिख रहा है। सो इट्स जस्ट द बिगनिंग। आई वांट अ प्रोडक्शन कंपनी विच सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ यंग टैलेंट, चाहे राइटर्स हों, डायरेक्टर्स हों, टेक्नीशियंस हों, स्टाइलिस्ट हों, एडिटर्स हों, जो भी हों, और यंग एक्टर्स। सो आई थिंक दैट टुडे नेक्स्ट ईयर आई कंप्लीट 30 ईयर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री,
and I, for me it's very important that I support young talent. बात यहाँ दोस्ती की नहीं है, बात है कि टू बी ट्रू टू द सब्जेक्ट एंड आई एम लुकिंग एट रियली रियली सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ यंग टैलेंट दैट इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू सो इट्स वेब सीरीज नाउ लेट्स सी.